स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले एक मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ। वेन तो नहीं, सिंपल सा एक टेबल। सबसे पहले ऊपर आते हैं कोऑपरेटिव, क्रेडिट, इंस्टीट्यूशंस। लाइक अब मैं यहाँ पे सारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स के मैं जैसे ही नीचे गया तो मेरे जाके दो में डिवाइड हो गए। पहला होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और दूसरे होते हैं नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वही जो मेरे लाइक एग्रीकल्चर वगैरह उन एक्टिविटीज से रिलेटेड क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, वो सारे एग्रीकल्चर में आ जाएंगे, और नॉन एग्रीकल्चर दूसरे। या इसको कुछ बुक्स में इस टाइप से भी दिया हुआ है, एग्रीकल्चर मेरे अर्बन वाले होते हैं जनरली, रूरल वाले, और नॉन एग्रीकल्चर मेरे अर्बन वाले होते हैं। इस तरह से भी कुछ बुक्स में दिया हुआ है, तो कैसे भी लिख सकते हैं। बट मेन जो हर जगह टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वाले ही हैं। इसके बाद जो मेरे एग्रीकल्चर वाले हैं वो अगेन दो पार्ट्स में हो जाते हैं। एक आता है मेरा शॉर्ट टर्म और दूसरे होते हैं मेरे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जैसे कि नाम से ही पता लग गया, जो यहाँ पे मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म वाले, लॉन्ग टर्म में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लैंड डेवलपमेंट बैंक। और शॉर्ट टर्म को फर्दर तीन में डिवाइड किया गया है, जो कि पूरा एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव्स, उसके बाद हमारे आते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव्स। यहाँ पे इसको स्टेट और सेंट्रल लाइक जो गवर्नमेंट वाले हैं उनसे एकदम भी रिलेट मत करना, ये एकदम अलग अलग है। यहाँ पे मेरा स्टेट बड़ा है और सेंट्रल छोटा है। और तीसरे होते हैं PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। एक बार मैं चार्ट में ही सारी चीज़ें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। एग्रीकल्चर यानी कि मेरे रूरल वाले, एग्रीकल्चर यानी कि जो मेरे एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटीज से रिलेटेड में हेल्प करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर नॉन हो गए जो जल्दी वे अर्बन में फाइंड करते हैं। फर्दर दो में डिवाइड होते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टाइम के लिए जो प्रोवाइड कर रहे हैं असिस्टेंस, लॉन्ग टर्म लॉन्ग उसके लिए। लॉन्ग वाले में सिर्फ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, और शॉर्ट टर्म वाले में हम पढ़ेंगे स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव और PACS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम ये कर लिया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, क्योंकि जनरली डिटेल में नहीं आता। प्राइमरी कोऑपरेटिव प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी जो है मेरे सबसे ज़्यादा बॉटम में है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोअर लेवल पे है। प्राइमरी में क्या किया, ये कॉन्सेंट्रेटर होती है, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि याद रहे। PCS के पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मेरी होती है टाउन या फिर विलेज लेवल पे। यहाँ पे जनरली जितने भी मेरे मेंबर्स वगैरह हैं जो इस इंस्टीट्यूट में पार्ट करो, जनरली एक दूसरे को जानते हैं, और बहुत ही लाइक लो लेवल पे होती है, ठीक है। हर किसी का शेयर नॉमिनल होता है बहुत, क्योंकि ये सब ज़्यादा लोअर लेवल पे हैं जितने भी। और जनरली जो इस सोसाइटी में पैसे ले भी रहे हैं उसको देने वाले जनरली जान रहे होते हैं, क्योंकि एक बहुत छोटे से एरिया में मेरे सारे मेंबर्स आ गए हैं, ये एक मेरे पर्टिकुलर एरिया में फोकस्ड है। इनका मेन फोकस क्या है कि जो भी मेरे मनी लेंडर्स वगैरह है उनसे मैं अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सकूं, इसलिए PCS वगैरह को अच्छे से रखा जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, इसमें एक तो सेक्रेटरी होगा मेरा और एक वर्किंग कमेटी होती है जो कि इंश्योर करती है कि सारे फंक्शंस वगैरह स्मूथली रन होए, PCS का अच्छे से फंक्शन हो सके। PCS में एक तो चीज़ें और पढ़ लेते हैं, लाइक अगर किसी को भी PCS में मेंबर बन रहा है तो एक नॉमिनल फीस देनी पड़ती है एडमिशन के लिए टू बिकम मेंबर। शेयर कैपिटल मेरी मेंबर से ही आ जाएगी, एंड लाइक जितने भी है PCS के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 10 जने होने चाहिए जो कि सेम फैमिली को बिलोंग नहीं करने चाहिए। सेकेंड, PCS रजिस्टर करने के लिए उसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि SCB के अंडर रजिस्ट्रेशन मस्ट है। फंक्शंस वगैरह इसके लाइक मोर ओर लेस सेम ही है, खुद लिख सकते हो आप लोग कि लाइक क्या होगा। जितने भी मेंबर्स वगैरह को उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, किसी के पास अगर एक्स्ट्रा मनी वगैरह वैसा कुछ आ जाता है तो उसको अच्छे से उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। PCS के बाद हम लोग अब अलग चलेंगे CCB सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर।
सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है वो एक तरीके से मेरे लिंक का काम करते हैं बिटवीन एसएसबी और पीसीएस। सीसीबी क्या कर रहे हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एट प्लेस ऑफ टाउन और विलेज करके ना, ये थोड़ा और ऊपर आ गए जो कि है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है ये, ठीक है। सीसीबी में क्या होता है, मेरी जो अलग अलग प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ है उन सबको क्लबिंग करके एक सीसीबी के अंडर दे दिया जाता है। सीसीबी क्या करता है, वो पीसीएस को पैसा देता भी है और लाइक जो इसकी सेविंग्स है वो सारी सीसीबी में जाती है ताकि इन्हें अल्टीमेटली इंटरेस्ट मिल सके। सीसीबी लिंक की तरह एक्ट कर रहा है बिटवीन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पीसीएस, ये चीज़ याद रखना। एक चीज़ और, सीसीबी मेरे दो टाइप के होते हैं फर्दर, लाइक एग्जाम में नहीं बट फिर भी एक पढ़ लो, एक होता है प्योर टाइप और एक होता है मिक्स। प्योर टाइप में क्या है, जिसमें जस्ट मेरे आगे पीसीएस ही है और मिक्स टाइप में इंडिविजुअल्स भी आ गए, पीसीएस भी आ गए। छोटा सा है ताकि याद रहे, तो अच्छा है नोट्स अगर बढ़ाने हो तो। इसकी शेयर कैपिटल कहाँ से आएगी, इसकी शेयर कैपिटल पीसीएस से आएगी, जैसे कि मैंने बताया उनसे कनेक्ट कर लेते हैं और लाइक कोई भी अगर इसके इंडिविजुअल मेंबर्स भी है ये वहाँ से कैपिटल ले लेगा। इसके फंक्शंस सेम, पीसीएस को सुपरवाइज करना, उसको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उसकी फाइनेंशियल नीड्स को मीट करना, उनकी सेविंग्स को मोबालाइज करना ताकि अल्टीमेटली वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को हेल्प कर सके, एंड उसकी सारी स्मूथ वर्किंग को इंश्योर करना, एक लिंक की तरह एक्ट करना बिटवीन स्टेट कोऑपरेटिव एंड। उसके बाद लास्ट में अब हम लोग आते हैं एससीबी यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है वो मेरा सबसे टॉप पे है, वो एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो फर्दर टू को कंट्रोल कर रहा है। जो मेरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो आरबीआई को रिपोर्ट करता है और लाइक इंश्योर करता है कि मेरी जितनी भी आते हैं कि गाइडलाइंस वगैरह है वो सीसीबी और पीसीएस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एससीबी जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, मेरा हर स्टेट में एक बैंक इस्टेब्लिश्ड होता है जो इन सब की फंक्शनिंग वगैरह को कंट्रोल करता आ रहा है। इसमें भी वही चीज़ है, दो आ जाते हैं, एक होता है प्योर स्टेट, एक हो जाता है मिक्स स्टेट, जिसके बारे में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर सिर्फ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एससीबी में तो वो प्योर स्टेट बैंक है और लाइक उसमें बोथ कोऑपरेटिव और इंडिविजुअल मेंबर्स आ जाएंगे तो मिक्स में चला जाएगा। अब एक चीज़, इसकी जो शेयर कैपिटल है ये आरबीआई से लोन के फॉर्म में भी आती है, मेंबर से आ जाएगी, या नीचे के जो मेरे सीसीबी पीसीएस है उनके डिपॉजिट से भी अपनी कैपिटल बना लेता है। उसके अलावा एक चीज़ मैं कर लेता हूँ कि लाइक अगर लिमिटेशन का आ जाए तो लिमिटेशन का हर जगह ये लिखना, पहला रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है ज़्यादा, कोई भी फ्लड वगैरह कुछ आ गया, कुछ भी हो गया तो मेरी रिकवरी ख़त्म हो जाएगी। बायसनेस बहुत ज़्यादा है मेरे कोऑपरेटिव बैंक्स में, हर जगह मिलती है। तीसरा, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह के ये प्रोवाइड नहीं करते जो कि मेरे लिए बेकार है। कैपिटल वगैरह हमेशा सफिशिएंट नहीं होती। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे, हमने स्ट्रक्चर में देखा था ये हमारा नीचे का हो गया अपने लैंड डेवलपमेंट बैंक के ऊपर। जितने भी मेरे एग्रीकल्चर वाले मैंने अब तक डिस्कस करे थे, पीसीएस वगैरह, वो सारे मेरे शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, बट जो मेरी लॉन्ग टर्म नीड्स होती है फाइनेंस की वो सारी लैंड डेवलपमेंट बैंक के अंदर फॉल करती है, ठीक है। जो मेरा सबसे पहला लैंड डेवलपमेंट बैंक था वो पंजाब में इस्टेब्लिश हुआ था, लैंड मोर्टेज या लैंड डेवलपमेंट कुछ भी बोल लो, पंजाब में 1920 में इन झंग। 1951 में लैंड मोर्टेज को लैंड डेवलपमेंट का नाम दे दिया था। उससे पहले अगर कहीं के भी हमें नोट्स वगैरह कुछ भी मिलेगा पुराने वगैरह तो हर जगह लैंड मोर्टेज का नाम है तो समझ जाना आगे जाके उसका नाम लैंड डेवलपमेंट कर दिया गया था। लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में वेस्टर्नली क्वेश्चंस आते नहीं है बट आ भी जाएंगे तो सारा लैंड वगैरह लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह के बारे में लिख के निकाल देना, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले उस पर, अब एक बार नॉन एग्रीकल्चर पर। नॉन एग्रीकल्चर में हमारे वो सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो कि मेरे एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप होते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एग्ज़ाम में कभी भी डिटेल में नहीं आता, आएगा भी तो हमेशा एज ओवरऑल स्ट्रक्चर आएगा, और तीन नंबर में भी आएगा तो तीन नंबर में जस्ट उसको एक्सप्लेन करते हुए चले जाना काम हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन से इंपॉर्टेंस में, और उसके अलावा एक जो कि मेजर टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक। सबसे पहला जो मैंने बताया था, रूरल पार्ट की फाइनेंसिंग नीड्स को मीट करना। दूसरा, एलिमिनेट मिडिलमैन एंड मनी लेंडर्स। विलेजेस जो हैं हमारी कंट्री में, उनमें कई जगह ये भी पाया गया कि जो मेरे विलेजर्स होते हैं वो जनरली लोन के लिए एक मिडिलमैन पे डिपेंड करते हैं, जो बेसिकली उनको लोन बैंक वगैरह से दिलाता है, जिसके बदले एक सर्टेन कमीशन या सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है। फार्मर्स को लो रेट पे क्रेडिट सर्विस मिल जाए, आसान सी बात। उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स को भी मीट करना। ये सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स फंक्शन से इंपॉर्टेंस आ गए, ये चीज़ें लिखी जा सकती है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है कमर्शियल बैंक वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक। सबसे पहले जितने भी डिफरेंस हैं, अब हमें उनका मीन्स लिखना भी ज़रूरी है, तो मैं मीन्स जैसे कि बढ़ाता चाहूँ तो समझते जाना। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन या मीनिंग ही लिख देना। डेफिनेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कमर्शियल बैंक क्या? बैंक दैट ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, आसान सी है। वही कोऑपरेटिव सोसाइटी की आ जाएगी, बैंक सेटअप टू प्रोवाइड फाइनेंस फार्मर्स रूरल इंडस्ट्रीज एंड टू ट्रेडर्स इन अर्बन एरियाज, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ऑपरेशन, इसका लार्ज है, इसका कंपेरेटिवली स्मॉल है। मोटिव ऑफ ऑपरेशन, बैंक्स का क्या है अल्टीमेटली, कमर्शियल बैंक्स का टू अर्न प्रॉफिट, जबकि इनका क्या है टू प्रोवाइड सर्विस। बेसिकली चाहे मेरी हो गवर्नमेंट हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हो, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली असिस्ट कर रहे हैं। सर्विस मेरा मेन मोटिव है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। वैसे इसके अलावा एक जैसे कि इंटरेस्ट रेट लाया जा सकता है, इसमें हमेशा हायर होगा एज कम्पेयर्ड टू कोऑपरेटिव, क्योंकि अल्टीमेटली इसको अर्न तो प्रॉफिट ही करना है, इसके में लोअर होता है। और लास्ट अगर छोटा सा लिख सकते हो तो मोर एज कम्पेयर टू कोऑपरेटिव, और इसमें लेस होती है। तो इसी के साथ हम लोगों के कोऑपरेटिव बैंक्स भी ख़त्म होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ फॉलो करें कॉलेज ट्विटर को। उसके अलावा एक चीज़ और, हम लोगों से आपकी कोई भी फीडबैक वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करिए या मेल पे हम लोगों को लिखे, हम प्लीज़ उस पर वर्क करेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो या तो हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा मेल तो आप लोगों को पता ही है, मेल पे भी भेज सकते हो। उसके अलावा जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, अब हम लोग लाइव सेशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में देखा था, आपके जब भी एग्ज़ाम्स वगैरह हो को मेरे को एटलीस्ट 7 डेज प्रायर इन्फॉर्म कर देना कि क्या क्या टॉपिक है, कब है। एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले मैं हर टॉपिक का रिविजन इस पर लाइव आके करवाऊँगा, ठीक है। तो जस्ट keep watching and keep following us. Thank you.